देख रहे हैं YouTube चैनल ITI to CTI क्लासेज। मैं देवंदर सर, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रेड थ्योरी की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है जो फाइल का हम विवरण देते हैं। सबसे पहले हम फाइल का जो विवरण है वो चार तरह से देते हैं। नंबर एक पे आता है लंबाई के आधार पर, नंबर दो पे आता है जो आकृति शक्ल के आधार पर, और नंबर तीन पे ग्रेड के आधार पर, और नंबर चार पे कट के आधार पर। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था कि जो शक्ल के यानी कि वर्कशॉप में प्रयोग की जाने वाली फाइलें, तो वो क्या था, शक्ल के आधार पर जो कि सात तरह की प्रयोग की जाती हैं, वो मैंने आपको करवाया। अब आज करवाऊंगा कि मैं जो ग्रेड होता है, ग्रेड के आधार पर जो फाइलें प्रयोग की जाती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और ग्रेड क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि फाइल का ग्रेड से आप क्या समझते हैं। फाइल के फेस के ऊपर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की जो संख्या होती है उसे फाइल का ग्रेड कहते हैं, और जो कटाई होती है दांतों की वो फाइल के ग्रेड के ऊपर निर्भर करती है। जिसका जो कि जिसमें दांतों की संख्या कम होगी वो ज्यादा धातु काटेगी, और जिसमें दांतों की संख्या अधिक होगी वो कम धातु काटेगी। तो जो कि हम ग्रेड के अनुसार पांच तरह की होती है। कौन सी पांच तरह की? नंबर एक पे आता सबसे पहले रफ फाइल। रफ फाइल में 8 से 10 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, और इसका प्रयोग ज्यादा धातु काटने के लिए किया जाता है। इसलिए ज्यादा धातु काटने के लिए रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है, और इसमें दांतों की संख्या 8 से 10 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है, ठीक है। नंबर दो पे आता है बस्टर्ड फाइल। बस्टर्ड फाइल में दांतों की संख्या 10 से 12 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है, और इसका प्रयोग भी ज्यादा दांतों काटने के लिए किया जाता है। यह रफ फाइल से कम दांतों काटती है, लेकिन ज्यादा दांतों काटने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। नंबर तीन पे आता है सेकेंड कट फाइल। सेकेंड कट फाइल में दांतों की संख्या 14 से 16 दाते होती है, 14 से 16 दाते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है, और इसका प्रयोग कम धातु काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसके द्वारा हम जॉब का साइज बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जब हमें बहुत कम धातु यानी कि जो कि कम धातु काटनी होती है, ठीक है, और जिससे हम इसका प्रयोग करते हैं सेकेंड कट फाइल का, इसका साइज बनाने के लिए, ठीक है। और नंबर चार पे आता है स्मूथ फाइल। जो स्मूथ फाइल होती है इसमें दांतों की संख्या 20 से 24 दांते होती हैं, और इसका प्रयोग जॉब को शुद्ध साइज में तैयार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा तैयार सतह चिकनी और स्मूथ होती है। कैसी होती है? चिकनी और स्मूथ होती है, ठीक है। ये होती है स्मूथ फाइल। इससे आगे आता है डेड स्मूथ फाइल। डेड स्मूथ फाइल में क्या होता है, इसमें दांतों की संख्या 28 से 35 दांते होता है, और इसका प्रयोग बहुत कम धातु काटने के लिए किया जाता है, यानी कि जॉब को फाइनल रूप देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा बहुत कम धातु केवल जॉब को फिनिशिंग दी जाती है। तो ये था जो कि हमारी धातु ग्रेड के अनुसार जो फाइल है वो पांच प्रकार की होती है। और जो ग्रेड क्या होता है, ग्रेड जैसा कि मैंने बताया, धातु के फे जो फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो धातु की संख्या होती है उसे धातु जो फाइल का ग्रेड कहते हैं, ठीक है। और ग्रेड के अनुसार यह पांच प्रकार की होती है। रफ फाइल होती है, बस्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ फाइल। जो रफ फाइल होती है वो सबसे ज्यादा धातु काटती है, और डेड स्मूथ होती है वो सबसे कम काटती है। आपने ध्यान रखना है जो कि इसमें प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या है ये ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रफ फाइल में ध्यान रखा 8 से 10, बस्टर्ड में 10 से 12, सेकेंड कट में 14 से 16, और स्मूथ फाइल में 20 से 24, और डेड स्मूथ में 28 से 35 होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि फाइल जो है वो ग्रेड के अनुसार कितने प्रकार की होती है और फाइल का ग्रेड क्या होता है। आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।